नमस्कार विद्यार्थियों, बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे फिशरी। फिशरीज का ये जो हमारा रहेगा फास्ट ट्रैक लेक्चर, इसमें हम आज कंप्लीट फिशरी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आज डिस्कस करेंगे इस फास्ट ट्रैक लेक्चर में। मीन्स इस पूरे लेक्चर में आपको फिशरी का जो पूरा एक समराइज मटेरियल और समराइज फॉर्म में पूरा दे दिया जाएगा। इसमें हमने लेटेस्ट डाटा भी साथ में दिया हुआ है ताकि अगर कोई क्वेश्चंस पूछा जाए लेटेस्ट पैटर्न पर भी तो आप यहां से क्वेश्चन आराम से बना पाओ। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहां पर हमारा फिशरी का लेक्चर। ठीक है, तो फिशरी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपको, सबसे पहले हम बात करेंगे डाटा के ऊपर। ठीक है, क्या क्या नीचे जो लेटेस्ट डाटा है फिशरी से रिलेटेड पहले उनके बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद इसकी थ्योरी पर हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में जो है फिशरी को लेकर रैंकिंग क्या है, हम इंडिया जो है किस पोजीशन पर है फिशरी को लेके। तो यहाँ पे अलग अलग देखो, फिशरी प्रोडक्शन की बात करें कि टोटल फिशरी प्रोडक्शन में या आपसे पूछा जाए कि इंडिया की रैंकिंग क्या है फिशरी प्रोडक्शन के अंदर, तो इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड रैंक है। याद रखना, पूरे वर्ल्ड में अगर फिश प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया की रैंक कौन सी है, थर्ड रैंक है। ठीक है, फिर हम बात करें इक्वा कल्चर क्या होता है। देखो, इक्वा कल्चर के अंदर ही हम क्या करते हैं, फिश फार्म करते हैं, प्रॉन फार्मिंग करते हैं या एक्वेटिक प्लांट की फार्मिंग करते हैं। ठीक है, मतलब इक्वा कल्चर क्या होता है, इक्वा कल्चर के अंदर हम फिश फार्मिंग, प्रॉन, झींगा, जो भी एक्वेटिक या फिर हम कुछ ऐसे इक्वेटिक प्लांट्स है जिनकी हम फार्मिंग करते हैं वो सब इक्वा कल्चर के अंदर आता है। इक्वा कल्चर का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एज वेल एज प्लांट। ठीक है, इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो जल में रहने वाले जंतु है, चाहे मछली हो गई या प्राण हो गया, झींगा हो गया या फिर कोई जलीय पौधा हो गया, उसकी खेती करना इक्वा कल्चर कहलाता है। और इक्वा कल्चर में जो भारत की रैंक है, इंडिया की जो रैंक है वो सेकेंड पोजिशन पर है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की। वर्ल्ड के अंदर जो है फिशरी का जो एक्सपोर्ट है उसके अंदर भारत की रैंक क्या है, तो एक्सपोर्ट में बात करें, एक्सपोर्ट में जो है भारत की रैंक है वो चौथे नंबर पर आता है। चौथा लार्जेस्ट फिश एक्सपोर्टिंग कंट्री है इंडिया। भारत जो है एक्सपोर्ट करने में, निर्यात करने में चौथे स्थान पर आता है फिशरीज में। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी ऐसी स्पीसीज है जिसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, तो श्रिम्प। ये जो श्रिम्प है ये किसके अंदर आती है, श्रिम्प आती है हमारी ब्रेकिस के अंदर। ब्रेकिस वाटर की जो फिशरीज है, ब्रेकिस वाटर का मतलब होता है मिक्स, किसका, फ्रेश वाटर और जो सी वाटर है, समुद्री जल है और जो ताजा पानी है, इन दोनों को मिला देते हैं तो वो ब्रेकिस वाटर होता है। और जो श्रिम्प है, श्रिम्प का कल्चर ब्रेकिस वाटर के अंदर ही होता है, तो इसका एक्सपोर्ट में, इसके एक्सपोर्ट में भारत की रैंक फर्स्ट है। ठीक है, याद रखना, श्रिम्प किसके अंदर आता है, ब्रेकिस वाटर की जो है, ब्रेकिस वाटर ये फिश है। ठीक है, और इसके कल्चर में, इसका प्रोडक्ट, इसके एक्सपोर्ट में, इसके निर्यात में भारत की का स्थान पहले नंबर पे है। और श्रिम्प का प्रोडक्शन में भी भारत पहले नंबर पर है। याद रखना, श्रिम्प एक जो है फिश है, इसके प्रोडक्शन में भी भारत पहले स्थान पर है। ये कौन सी फिश है, तो ब्रेकिस वाटर में कल्चर की जाने वाली फिश है। ब्रेकिस वाटर बता चुका हूँ, ताजे पानी और जो समुद्री वाटर है, ठीक है, समुद्री जल है, फ्रेश वाटर और सी वाटर का जो मिक्सचर होता है उसी को ब्रेकिस वाटर कहते हैं। तो ये तो बात हो गई रैंकिंग की, कि भारत की रैंक क्या है इंडिया के अंदर फिशरीज को लेके की। ठीक है, फिशरीज को लेके भारत के अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डाटा की। ठीक है, ये सोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ से लिया गया है, हैंडबुक ऑफ फिशरीज जो है 2020, वहाँ से ये डाटा लिया गया है। अभी लेटेस्ट वाला यही अवेलेबल है वेबसाइट पर, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी पे आप जाओगे वहाँ पे आपको हैंडबुक ऑफ फिशरी 2020 मिलेगा, वहीं से ये डाटा लिया गया है। ठीक है, कंट्री का एरिया आप सबको पता है कितना है, 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारी जो भारत का है उसका एरिया है। लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन क्या होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन मतलब क्या होता है, पहले तो कोस्ट मतलब तटीय क्षेत्र, मतलब अगर मैं बात करूँ कि ये हमारा भारत है, ठीक है, ये भारत का हमारा जो हिस्सा है तो यहाँ लगता है अपना गुजरात, ठीक है, और यहाँ तक, या गुजरात से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो क्षेत्र आता है ये हमारा तटीय क्षेत्र होता है। मतलब यहाँ पे क्या है,
यहाँ से हमारा ये समुद्र लग जाता है ना, यहाँ से ये यहाँ पे सब जगह क्या है, पानी भरा हुआ है। तो ये जो क्षेत्र कहलाता है ये कोस्टल क्षेत्र कहलाता है, और ये जो लाइन कहलाती है कोस्टल लाइन कहलाती है। तो कोस्टल लाइन की जो डिस्टेंस है, एरिया है, वो कितना है, 8,118 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है। चाहो तो मैं आपको यहाँ पे इसको डायग्राम के अंदर भी बता दूँ आपको, ये वाला देखो, ये वाला जो एरिया है हमारा, यहाँ से देखो ये गुजरात लग रहा है। ये जो हमारा ये जो लाइन है ये क्या कहलाती है, कोस्टल लाइन कहलाती है। यहाँ तक कोस्टल लाइन कहलाती है, मतलब कोस्टल लाइन तटीय क्षेत्र, जिससे क्या हुआ रहा, समुद्र जो है सागर जो है, जल की सीमा जो है वो टच हो रही है, उनको हम बोलते हैं कोस्टल एरिया। ठीक है, ये यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, गोवा हो गया, ये हमारा सारा केरल वगैरह, इधर ये सारे क्या है, तटीय क्षेत्र है, तटीय राज्य है, कोस्टल एरिया है, कोस्टल स्टेट है। तो ये जो लाइन है कोस्टल लाइन कहलाती है, और ये इस कोस्टल लाइन की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 8,118 किलोमीटर। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब भी क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। ये हमारा अगर बात करें कंट्री है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये जो है हमारी क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की ये जो लाइन है हमारी, ये कोस्टल लाइन है। अब कोस्टल लाइन तो ये हो गई, ठीक है, ये सारा हमारा इधर क्या है, ये समुद्र है, चारों तरफ क्या लग रहा है, पानी लग रहा है, ठीक है, समुद्र है, पानी लग रहा है। अब यहाँ पे इस समुद्र के अंदर कितना एरिया है जो भारत के क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में आता है, भारत के लिए इकोनॉमिक जोन में आता है, जहां पर इंडिया जो है कुछ भी लेन देन, वहां पर कुछ प्रोडक्शन करना या फिश करना, या जहां पर बंदरगाह, आपने देखा होगा समुद्र के अंदर जो है कुछ एरिया है जो भारत के अंदर में आता है। तो कितना एरिया है जो जोन ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब यही है कि कहाँ तक का जो एरिया है समुद्र में जो भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ये यहाँ तक लगभग आप बोल सकते हो, ये इतना जो जोन है समुद्र के अंदर, ये जो जोन है ये जोन ऑफ इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव कहलाता है। तो लगभग ये जोन कितना है, 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये 2.02 स्क्वायर किलोमीटर जो क्षेत्र है ये भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसको इकोनॉमिक जोन कहते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्यों बोला, कि भारत की सीमा से बाहर है, ये भारत की सीमा से बाहर है तो एक्सक्लूसिव बोला। इकोनॉमिक जोन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भारत के जो मतलब भारत के जो अधिकार क्षेत्र में, यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक लेन देन हो गया, यहाँ पे प्रोडक्शन करना, कुछ भी करना, ये भारत कर सकता है। ठीक है, जैसे डायग्राम के अंदर ये जो हमारा एरिया है, इतना आप बोल सकते हो ये अधिकार क्षेत्र में है भारत के। तो ये जो क्षेत्र है एक्सक्लूसिव, भारत के बाहर समुद्र में अंदर, समुद्र के अंदर कितना एरिया, 0.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है ये भारत का इकोनॉमिक जोन कहलाता है। ठीक है ना, आगे हम बात करेंगे अब इसमें, फिर कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया। कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया क्या होता है, देखो कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया बताता हूँ क्या होता है। कॉन्टिनेंटल जैसे मान लो ये हमारा तटीय क्षेत्र है, ठीक है, तटीय क्षेत्र है, ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा मान लो ये समुद्र है, ठीक है, ये हमारा क्या है, समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है। तो ये समुद्र की जो लेयर है यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे क्या है, ये एरिया है, इसके जस्ट वाला नीचे वाला जो एरिया है कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया कहलाता है। जैसे कि मैं आपको डायग्राम में भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया क्या होता है, यहाँ पे देखिए कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया इस डायग्राम के अंदर आप देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया क्या होता है। तो ये वाला देखो, ये मैंने बोला है क्या, ये पूरा समुद्र है यहाँ पे, ठीक, ये समुद्र का तट आ गया यहाँ पे, यहाँ पे भी ये समुद्र है, और इस यहाँ पे तट के पास में जो जस्ट नीचे जो एरिया होता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया होता है, इसको कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया की बात करें तो ये कितना है कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया इंडिया का, तो 0.53 किलोमीटर जो एरिया है वो कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया है, ये 0.53 कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया कितना, 0.53 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया कहलाता है। फिश प्रोडक्शन की बात करें, देखो ये 19-20 का ही डाटा है, क्योंकि फिशरी हैंडबुक 2020 ही अभी साइट पर अवेलेबल है, तो लेटेस्ट यही माना जाएगा। फिश प्रोडक्शन जो है इंडिया का कितना है, टोटल फिश प्रोडक्शन याद रखना, टोटल फिश प्रोडक्शन कितना है, तो 14.16 मेट्रिक मिलियन टन, 14.16 मेट्रिक मिलियन टन जो है इंडिया का टोटल फिश प्रोडक्शन है। टोटल फिश प्रोडक्शन के अंदर देखो, फिश प्रोडक्शन में दो चीज आती है, फिश प्रोडक्शन के अंदर टोटल फिश, इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर दो चीज आती है, पहली एक इनलैंड फिश और दूसरा कौन सा आता है, मेरीन फिश। ठीक है, प्रोडक्शन इनलैंड का मतलब क्या होता है कि जब हम कन्फाइंड एरिया में बोल सकते हैं इन्फेंट, जैसे कि एक नदी हो गई, तालाब हो गया, कोई स्ट्रीम हो गई, वहां पर जब हम
फिश का कल्चर करते हैं या फिर वहां पर हम फिश का प्रोडक्शन लेते हैं तो इनलैंड कहलाता है। मेरिन का मतलब हो गया ओशियन, समुद्र के अंदर से जब हम फिश का प्रोडक्शन लेते हैं तो वो मेरिन हो गया। मेरिन वाटर से जब लेते हैं, मेरिन का मतलब क्या हो गया, समुद्र आप ले लीजिए, ओशियन ले लीजिए, वो मेरिन हो गया। इनलैंड हो गया मतलब भारत की धरती पर कोई नदी है, कोई तालाब है, कोई झरना है, ठीक है, कोई स्ट्रीम है, वहां पर आप जब फिश कल्चर करते हो या वहां पर कैप्चर करते हो तो वो इनलैंड रहता है। तो इनलैंड का प्रोडक्शन कितना है, तो ये होता है 10.43 मैट्रिक मिलियन टन, और मेरिन का कितना है 3.72 मैट्रिक मिलियन टन। सीधी सी बात है, समुद्र से कम ही प्रोडक्शन लिया जाएगा, और इनलैंड जहां पर हम लोग क्या करते हैं, फिश की रेयरिंग करते हैं, कल्चर करते हैं, उनका प्रोडक्शन लेते हैं इनलैंड के अंदर, तो ऑब्वियसली वहां प्रोडक्शन ज्यादा होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 14.16 मैट्रिक मिलियन टन। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ फिशरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमिक में कितना कंट्रीब्यूशन है, इंडियन इकोनॉमिक्स में 1.24% का कंट्रीब्यूशन है फिशरी का। उसके बाद हम बात करते हैं कि परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक फिशरी सेक्टर इन इंडिया एग्रीकल्चर 2018-19 फिशरीज का बात करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना है तो 7.29%, और जीडीपी की बात करते हैं फिशरीज का जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना है 6.52%। ये डाटा भी आप ऐड कर लेना, जीडीपी के अंदर फिशरी का कंट्रीब्यूशन कितना है 6.52% कंट्रीब्यूशन है। अब बात करते हैं टॉप थ्री कंजप्शन स्टेट कौन से हैं, फिश का कंजप्शन किन राज्यों में सबसे अधिक होता है, ठीक है, पर कैपिटा पर ईयर एक व्यक्ति एक साल में कितनी फिश को खा जाता है, ये बात है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है त्रिपुरा जो है फर्स्ट नंबर पर है, 29.29 kg का कंजप्शन करता है। सेकेंड नंबर पर है केरला, केरला जो है लगभग 19.41 kg का कंजप्शन करता है। थर्ड नंबर पर है मणिपुर, 14.1 kg का कंजप्शन करता है पर कैपिटा पर ईयर, ठीक है। ये कंजप्शन का डाटा है, टॉप थ्री स्टेट जहां पर कंजप्शन सबसे ज्यादा है, तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि त्रिपुरा फर्स्ट नंबर पर है। फिर बात करते हैं टॉप थ्री फिश प्रोड्यूसर, ठीक है, कौन से ऐसे तीन राज्य हैं जहां पर फिश का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, तो याद रखना यहाँ पे टॉप थ्री फिश प्रोडक्शन, टोटल फिश प्रोडक्शन की बात हो रही, टोटल फिश प्रोडक्शन मतलब यहाँ इनलैंड प्लस मेरिन दोनों को मिलाकर बात हो रही है, इनलैंड प्लस मेरिन दोनों को मिलाकर जो है फर्स्ट नंबर पर कौन है फिश प्रोडक्शन में, फर्स्ट नंबर पर है आंध्र प्रदेश, सेकेंड नंबर पर है वेस्ट बंगाल, और थर्ड नंबर पर है गुजरात। याद रखना है अगर क्वेश्चन पूछा जाए टोटल फिशरी प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पर कौन सा राज्य है, तो आंध्र प्रदेश, सेकेंड पे वेस्ट बंगाल, थर्ड पर गुजरात, ठीक है। अब इसको और अलग ठीक है यहाँ पे क्लासिफाई किया है कि मेरिन में फर्स्ट नंबर पर कौन है, इनलैंड में फर्स्ट नंबर पर कौन है, ठीक है। बात करते हैं मेरिन फिश प्रोडक्शन में, मेरिन फिश प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, तो मेरिन फिश प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पर गुजरात है। याद रखना टोटल की बात करोगे तो गुजरात थर्ड नंबर पर है, लेकिन मेरिन की बात करोगे, समुद्री की बात करोगे, सी वाटर की बात करोगे, जहां पर फिश का प्रोडक्शन गुजरात में सबसे ज्यादा है, नंबर दो पर तमिलनाडु, और नंबर तीन पर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। मेरिन में आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर है, जबकि टोटल में पहले नंबर पर है। और उसके बाद अगर बात करूं इनलैंड की, तो इनलैंड में आंध्र प्रदेश जो है पहले नंबर पर है, वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तो याद रखना टोटल अगर फिश प्रोड्यूसर की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है, मेरिन की बात करें तो मेरिन में गुजरात फर्स्ट नंबर पर है, और इनलैंड की बात करोगे तो उसमें भी आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पर है, क्लियर है। तो ये डाटा आपका यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि फिशरी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है, तो अभी हमने पढ़ा है ऊपर कि एक्सपोर्ट में बात करें तो श्रिम्प का जो है एक्सपोर्ट में फर्स्ट नंबर पर है इंडिया, श्रिम्प प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करने में इंडिया फर्स्ट नंबर पर है। तो यहाँ पे सीधी सी बात आ जाएगा, 51% फ्रोजन श्रिम्प का एक्सपोर्ट किया जाता है, उसके बाद फ्रोजन फिश 17% एक्सपोर्ट की जाती है, ठीक है। मेल और फीमेल फिशरमैन की बात करें तो इंडिया के अंदर 82% तो मेल है जो फिश मतलब रेयरिंग करते हैं, मछली पालन करते हैं, और 18% महिला है जो मछली पालन करती है। क्लासिफिकेशन की बात करें, फिशरी रिसोर्सेज की दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एक होती है फिन फिशरी, एक होती है नॉन फिन फिश फिशरी, ठीक है। एक होती है फिन, दूसरी होती है नॉन फिश। फिन का मतलब क्या हो गया, ये तो डायग्राम में आपको दिख रहे हैं ना, इसके ये फिन होते हैं, इनको फिन कहा जाता है।
तो जिन फिश में आपको ये फिन दिख रहे हैं ये कहलाती है फिन फिशरी, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? ट्रू फिश कहा जाता है, यही असली मछली होती है। ठीक है, जिनमें फिन निकले हुए होते हैं वही ओरिजिनल असली फिश होती है, इनको फिन फिश कहा जाता है। ठीक है, और नॉन फिन मतलब जिनमें ये फिन नहीं होते हैं, जैसे कि हमारा ये क्रैब हो गया, है ना, क्रैब हो गया, प्रॉन हो गया, ये हमारे क्या हो गया, प्रॉन हो गया, क्रैब हो गया, इनमें फिन नहीं होती है, फिन नहीं पाई जाती है, फिन नहीं पाई जाती है, तो इनको नॉन फिश फिन फिश कैटेगरी में रखा है, ये ट्रू फिश नहीं होती है। क्लियर है, ये दोनों के अंदर बेसिक चीजें थी। यहां पे देखो जो आर दी फिशरीज आर ट्रू फिश, जो ट्रू फिश होती है वही फिन फिश होती है जिनमें फिन निकले होते हैं। नॉन फिश देखो, फिशरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म अदर देन ट्रू फिश, ट्रू फिश के अलावा, जैसे प्रॉन हो गया, क्रैब हो गया हमारा, ठीक है, लोबस्टर हो गया, मुसेल हो गया, ऑयस्टर हो गया, सी कुकुम्बर हो गया, फ्रॉग हो गया, सी वीड हो गया, ये भी क्या है, फिश में रखा गया है इनको, लेकिन ये नॉन फिश फी है। अब बात करते हैं फिन फिशरी रिसर्चर्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया दो कैटेगरी में, एक होता है कैप्चर फिशरी और एक होता है नॉन कैप्चर फिशरी, सॉरी कल्चर फिशरी, हाँ नॉन कैप्चर भी बोल सकते हैं, कैप्चर फिशरी और कल्चर फिशरी। कैप्चर फिशरी, कैप्चर का मतलब ही होता है, कैप्चर का मतलब है कब्जा करना, कैप्चर का मतलब क्या हो गया, कब्जा करना। ठीक है, कैप्चर फिशरीज देखो यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, कुछ लोग यहाँ पे कहाँ है, जहाज के ऊपर है, वो समुद्र में से मछलियों को कैप्चर कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम है मतलब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मछलियों का यहाँ पे शोषण हो रहा है, समुद्र से मछलियों को पकड़ रहे हैं, यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको कौन सी ब्रीड निकालना है, आपको यहाँ पे स्टॉकिंग करनी है सीड की, कोई स्टॉकिंग यहाँ पे नहीं की जाती है। ठीक है, यहाँ पर कोई मतलब कि यहाँ पे ना तो फिशली रेयरिंग तो कर नहीं रहे हम, सीधे सब निकाल रहे हैं, यहाँ पर जो स्टॉकिंग होती है वो नेचुरल तरीके से होती है, नेचुरल ब्रीडिंग होती है वो नेचुरल, यहाँ पर मछलियाँ जो है, मछलियों की पॉपुलेशन जो डेवलप होती है नेचुरल तरीके से होती है, यहाँ से हम निकालते हैं, इसको बोलते हैं कैप्चर। कैप्चर फिशरी इज एक्सप्लोइटेशन, एक्सप्लोइटेशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विदाउट स्टॉकिंग ऑफ सीड। देखो यहाँ पे हम कोई स्टॉकिंग नहीं करते, स्टॉकिंग मतलब होता है कि हमने सीड का, हमने क्या किया, फिशरी का प्रोडक्शन ले लिया, तो अंदर फिर से फिशरी का पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए, बढ़नी कैसे चाहिए, आप क्या करोगे उसमें, वहां पे स्टॉकिंग करोगे, स्टॉकिंग करोगे मतलब वहां पे आप उनकी ब्रीडिंग करवाओगे, बैंड पीरियड आप लोगे 50 से 60 दिन हमको खुला छोड़ोगे ताकि उसमें ब्रीडिंग होगी, स्टॉकिंग करोगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता कैप्चर में, कैप्चर में ऐसा नहीं होता, वहां पे स्टॉकिंग नहीं होता है सीड का, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का शोषण कर रहे हो, यहाँ से उनको निकाल रहे हो, लेकिन वहां पे पॉपुलेशन मेंटेन जो होती है वो नेचुरल तरीके से होती है, कुल मिला के यहाँ पे आप कब्जा कर रहे हो। ये रिक्रूटमेंट ऑफ स्पीसीज अकरिंग नेचुरली, यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होता है मतलब यहाँ पे मछली जो डेवलप होती है, मछलियों का जो पॉपुलेशन जो बढ़ती है वो नेचुरल तरीके से बढ़ती है। ठीक है, दिस इज कैरी आउट सी में होता है, रिवर्स में होता है, रिजर्वेयर में होता है ना, जैसे आपके घर के पीछे बहुत बड़ा सा तालाब है, ठीक है, बारिश में उसमें पानी भर गया, पानी भरने के बाद क्या होगा, उसमें छोटी छोटी मछलियाँ नेचुरल तरीके से डेवलप हो जाएगी, मछुआरे आएंगे, मछली निकाल के लेके चले जाएंगे। ठीक है, वहां पे कोई आपने स्टॉकिंग नहीं की, ना आपने फिंगरलिंग्स ला के नहीं डाली उसके अंदर, कुछ भी नहीं किया आपने, वहां पे नेचुरल तरीके से जो मछली डेवलप्ड हुई वहां से आप मछुआरे आए निकाल के चले गए, मतलब कुआ कुल मिला के वहां से मछलियों का शोषण किया गया, वो कहलाता है कैप्चर। ठीक है, बात करते हैं कल्चर की, थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, कैप्चर के अंदर पार दिए। कल्चर मतलब क्या हो गया, कल्चर का मतलब हो गया कि आपने बड़ा सा तालाब बनवाया, उसमें से आपने क्या किया, स्टॉकिंग किया, क्या किया, स्टॉकिंग ऑफ सीड मतलब आप सीड लेके आए, ठीक है, आपने मछलियों की फिंगरलिंग लेके आए, फिंगरलिंग आपने डाली वहां पर, आप एक पर्टिकुलर स्पीसीज की क्या की, आपने स्टॉकिंग की, वहां से फिर आप क्या करोगे, आप एक जो है कुछ लिमिटेड अमाउंट में ही वहां से मछली का प्रोडक्शन लोगे, फिर कुछ दिन तक बैन रखोगे, वहां पे उनकी ब्रीडिंग होगी, फिर वहां पे पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो जब आप आर्टिफिशियल तरीके से फिश फार्मिंग करते हो तो वो क्या कहलाता है, कल्चर के अंदर आ जाता है। अब कैप्चर के अंदर दो पार्ट है कैप्चर फिशरी में, मेरिन और इनलैंड, मेरिन फिशरी और इनलैंड फिशरी। मेरिन फिशरी मेरिन वाटर में की जाती है, मतलब क्या हो गया, मेरिन वाटर में जो आप कर रहे हो वो क्या है, मेरिन फिशरी है, जैसे कि आप मेरिन वाटर का होता है तो सी में। अब मेरिन फिशरी का क्लासिफिकेशन देखो, पेलेजिक फिश होता है, डेमर्सल फिश होती है और डीप सी फिश होती है, तीन फिश होती है किसमें, मेरिन फिश में पेलेजिक फिश, डर्मसल
फिश और एक होता है डीप सी फिश, तीन पार्ट है इसमें, ठीक है, तीन तरीके से क्लासिफाई किया मेरिन को। पेलेजिक फिश में देखो, पेलेजिक फिश क्या होती है, पेलेजिक फिश जो होती है ना तो बहुत ज्यादा ऊपर सरफेस पर रहती है ना ही बॉटम पे रहती है। याद रखना पेलेजिक जोन ऑफ ओशियन, यह समुद्र के अंदर पेलेजिक जोन में रहती है। पेलेजिक जोन मतलब क्या हो गया, नाइदर क्लोज टू दी बॉटम, ना तो वो बॉटम के पास रहेगी ना ही नियर टू श्योर, नियर टू श्योर मतलब कि ना ही किनारे पर रहेगी, ठीक है। पेलेजिक जोन देखना हो, ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है, ये पेलेजिक जोन ही है, ये आपको दिख रहा है, ये पेलेजिक जोन है। तो ना तो किनारे पे रहेगी ना ही वो बॉटम में रहेगी, बिल्कुल मिडिल में रहेगी, तो इसको हम बोलते हैं पेलेजिक फिश, ठीक है। अब पेलेजिक फिश जो है, पेलेजिक फिश में आप देखना कौन कौन सी फिश है, यहाँ पे टाइप दिया है मेरीन पेलेजिक फिश का, तो यहाँ दिया है कोस्टल फिश, कोस्टल फिश और ओशियनिक फिश। कोस्टल फिश को नेरेटिक फिश या इनश्योर फिश भी कहा गया है। इनश्योर मतलब क्या है, इनश्योर मतलब किनारे के अंदर ही रहेगी, वो किनारे पर नहीं रहेगी, किनारे के अंदर रहेगी, ठीक है। तो यहां पे नेरेटिक या इनश्योर फिश कहा गया है कोस्टल फिश को, मतलब इनहेबिट द वाटर नियर द कोस्ट, ये कहां रहती है, नियर द कोस्ट, कोस्ट के पास में रहेगी, अबाउ द कॉन्टिनेंटल सेल्फ। अभी मैंने बताया था कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होता है, देखो पेलेजिक फिश में कोस्टल फिश की बात कर रहे हैं, हम किसकी, कोस्टल फिश की बात कर रहे हैं। कोस्टल फिश को क्या बोला है, ये लिखा है यहाँ पे नेरेटिक फिश क्यों बोला गया, इसलिए बोला गया क्योंकि वो नेरेटिक जोन में रहती है। क्या बोला गया है कि कोस्टल, नियर द कोस्टल मतलब ये तो हो गया हमारा कोस्टल, ये क्या है, कोस्टल है, तो कोस्टल के पास में मतलब यहाँ इस जोन में रहती है, ये किनारा है तो किनारे के अंदर रहेगी, ये किनारे के अंदर रहेगी, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल सेल्फ के ऊपर, अबाउ द कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ये लिखा है। तो पेलेजिक फिश में जो कोस्टल फिश है, कोस्टल फिश है वो कहाँ रहती है, वाटर नियर द कोस्ट, कोस्ट के पास में जो पानी है वहां पर रहेगी और कॉन्टिनेंटल सेल्फ के ऊपर रहेगी। फिर ओशियनिक फिश को ओपन फिश या ऑफशोर फिश कहा है, तो ये जो है बिल्कुल कहाँ रहती है, डीप ओपन वाटर में, डीप ओपन वाटर में रहती है, इसको ओशियन सैंड फिश, लेटरन फिश या व्हेल शार्क भी कहा जाता है, बिल्कुल ओपन डीप वाटर के अंदर ये रहेगी, इसको ओशियनिक फिश कहते हैं। फिर डर्मर्सेल, ठीक है, डेमर्सेल फिश की बात करते हैं। डेमर्सेल फिश जो है ये कहां रहती है, बॉटम पर, ठीक है, नियर दी बॉटम वहां पर रहती है और खाना भी वहीं पे खाती है, ठीक है, डर्मर्सेल जोन में रहती है। डर्मर्सेल जोन मतलब बॉटम में रहती है और वहीं पे फीडिंग भी वहीं पे करती है, बॉटम में भी करती है, बॉटम में करती है। मतलब ये कौन सी फिश आती है, ये डर्मिटिवोरियर्स। डर्मिटिवोरियर्स का मतलब है कि जो प्लांट होते हैं या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो डिकम्पोज्ड मटेरियल होते हैं वो कहाँ रहते हैं, बॉटम पर रहते हैं और उनको खाने का ये काम करती है। इसमें टाइप देखो, एक होता है बेंथिक फिश, ग्राउंड फिश इसको बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है बेंथोपेलेजिक फिश। अब बेंथिक फिश या ग्राउंड फिश से समझ में आ गया, बिल्कुल ग्राउंड पे, विच इज विच कैन बी रेस्ट ऑन द सी फ्लोर, समुद्र का जो फ्लोर होता है, सरफेस होती है, वहां पर ये रहती है, ठीक है, बिल्कुल सरफेस पर नीचे। और बेंथोपेलेजिक फिश विच कैन बी फ्लोट इन द वाटर कॉलम, ये वाटर कॉलम में कहाँ रहेगी, वाटर कॉलम में फ्लोट करेगी, तैरेगी, जस्ट अबाउ द सी फ्लोर, सी फ्लोर के जस्ट ऊपर, ये समुद्र का फर्श है तो फर्श के जस्ट ऊपर ये क्या करेगी, फ्लोट करेगी, इसको बेंथोपेलेजिक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा डीप सी वाटर, डीप सी वाटर में देखो डीप सी फिश जो होती है, डीप सी फिश होती है कहां पर रहती है, लिव इन डार्कनेस बिलो द सनलाइट सरफेस वाटर, ठीक है। अभी देखो डायग्राम में समझ में आएगा क्या लिखा है, डार्कनेस के नीचे सनलाइट सरफेस, जैसे मान लो ये लेयर है, ठीक है, ये समुद्र के अंदर लेयर है, तो सनलाइट जो है कहां तक आ रही, मान लो यहां तक, इस सरफेस तक सनलाइट, यहां तक सनलाइट आ रही है, तो इस और इसके नीचे सनलाइट नहीं पहुंच पा रही, तो इसके नीचे क्या होगा, डार्कनेस होगा। तो यहां पर जो मछली रहती है, डार्कनेस बिलो द सनलाइट वाटर, जहां पर जिस जहां तक सनलाइट पहुंच रही है वाटर के अंदर, उसके नीचे की जो सरफेस है जहां पर डार्कनेस है वहां पर ये रहती है, डेट इज बिलो द एपिपेलेजिक या फोटिक जोन ऑफ ओशियन, एपिपेलेजिक या फोटिक जोन ऑफ ओशियन। यहां देखो ये एपिपेलेजिक जोन है, इसके नीचे यहां तक क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, ठीक है, यहां तक सनलाइट आ रही है, और सनलाइट के नीचे क्या है, ये डार्कनेस है। यहां पर जो फिश रहती है उसको डीप सी फिश कहा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। अब बात करते हैं सेकेंड इनलैंड फिशरी, कैप्चर फिशरी के अंदर इनलैंड फिशरीज की बात करते हैं। इनलैंड फिशरीज का मतलब आपको पता है, इनलैंड का मतलब होता है कि जब हम
नदी के अंदर या फिर कोई तालाब के अंदर या स्ट्रीम के अंदर जब हम क्या करते हैं, फिशरी रेयरिंग करते हैं, तो वो इनलैंड कहलाता है। इसमें पहला है रिवर वाइन और दूसरा है, एक ही है इसके अंदर, रिवर वाइन। अब रिवर वाइन की बात करें तो रिवर वाइन, इनलैंड वाटर बॉडीज इन इंडिया हैव बीन डिवाइडेड इंटू 5 रिवर वाइन, ठीक है, रिवर राइन में डिवाइड है, रिवर राइन फिशरीज। तो इंडिया के अंदर जो रिवर राइन वाटर बॉडीज है या इंग्लैंड वाटर बॉडीज है, वो 5 रिवर राइन सिस्टम में डिवाइड है और लगभग 29,000 किलोमीटर का एरिया लेंथ वो कवर करती है। दो पार्ट में है, देखो पांच जो रिवर राइन है, रिवर राइन बोल सकते हैं जो है वो पांच है। पांच को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया है, हिमालयन रिवर सिस्टम और होता है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालय के अंदर याद रखना गंगा, इंदूस और ब्रह्मपुत्र, ये तीन आते हैं, तीन रिवर राइन सिस्टम आते हैं। और पेनिनसुलर के अंदर ईस्ट कोस्ट आता है और वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम आता है, ये मेजर है, यहाँ पे याद करना, ये है अपना इनलैंड। अब बात करते हैं कैप्चर के बाद आता है कल्चर फिशेस। कल्चर फिशरीज की बात करते हैं, कल्चर फिशरीज आर द कल्टिवेटेड ऑफ सिलेक्टेड फिश इन कन्फाइंड एरिया, सिलेक्टेड फिश इन कन्फाइंड एरिया विथ एट मोस्ट केयर टू गेट मैक्सिमम यील्ड। अब यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, कल्चर फिश का मतलब है कि हम किसी सिलेक्टेड फिश, मतलब कोई हमें जो स्पीसीज हमें चाहिए, जिनका हमें मार्केट में रेट अच्छा मिलता हो, जिनका भाव ज़्यादा हो, उस फिश सिलेक्टेड फिश को हम बिल्कुल कन्फाइंड एरिया, मतलब कि लिमिटेड जगह में, जैसे तालाब आपने बनवा लिया वहाँ पर आप कर रहे हो, लिमिटेड एरिया में हम क्या करते हैं, उसकी कल्चर करते हैं, कल्चरिंग करते हैं, जिससे कि हमें मैक्सिमम क्या मिले, इल्ड मिले। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे अच्छे से केयर कर सकते हैं, उसकी फीडिंग अच्छे से कर सकते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं, तो हमें मैक्सिमम इल्ड मिलती है। सीड इज स्टॉक्ड, वहाँ पर सीड स्टॉकिंग कर सकते हैं, हम नर्स कर सकते हैं, मतलब उनको न्यूट्रिएंट वगैरह फीडिंग करवा सकते हैं, उनको रेयर करते हैं, कहाँ पे, कन्फाइंड वाटर में, मतलब एक घिरा हुआ वाटर। ये देखो आप बिल्कुल यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है कि यहाँ पर सारी मछलियाँ बिल्कुल एक ही जगह पर है, कन्फाइंड एरिया में है, यहाँ पर उनको फर्टिलाइजर देना, यहाँ पर उनको फीडिंग देना, यहाँ पर पानी देना, सब कुछ बिल्कुल कंट्रोल मैनर में किया जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम यील्ड मिलती है। इसको कल्चर फिशरी कहा जाता है। टाइप ऑफ कल्चर फिशरी की बात करते हैं तो कल्चर फिशरी तीन जगह चार जगह की जाती है, देखो फ्रेश वाटर इक्वा कल्चर में, ब्रेकिश वाटर इक्वा कल्चर में, मेरीन कैच कल्चर में और ऑर्नामेंटल फिश कल्चर में। फ्रेश वाटर इक्वा कल्चर, फ्रेश वाटर फार्मिंग, जैसे कार्प हो गया, प्रान हो गया, मुरेल हो गया और कैटफिश हो गया, याद रखना ये फ्रेश वाटर इक्वा कल्चर के अंदर कल्चर की जाने वाली स्पीसीज है। कौन सी? कार्प हो गया हमारा, प्रान, कार्प मतलब कार्प के अंदर सारी आती है अपनी, ठीक है, प्रान हो गया, मुरेल हो गया और कटफिश हो गया। ब्रेकिश वाटर में, ब्रेकिश वाटर क्या होता है, सी वाटर और फ्रेश वाटर का क्या होता है, मिक्सचर होता है, इसके अंदर अपना सी बास हो गया, पर्ल स्पॉट हो गया, मिल्क फिश हो गई, मड क्रेब हो गया, फाइन फिश हो गई और श्रिंप मैंने बोला था ब्रेकिश वाटर इक्वा कल्चर के अंदर आती है। फिर मेरिन कैच कल्चर फार्मिंग इन सी वाटर। कैच कल्चर क्यों बोला है, क्योंकि आपने देखा होगा समुद्र के अंदर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है जाली नुमा, और नीचे से भी क्या होता है, बॉटम से भी वो पैक होता है, ये समुद्र के अंदर जो है तैरता रहता है। यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और कैच चारों तरफ से जो एक जाली नुमा रहता है, यहाँ पर मछली पाली जाती है, इसको मेरीन कैच सिस्टम बोलते हैं। फिर ऑर्नामेंटल फिश कल्चर, इसको एक्वेरियम कल्चर भी कहते हैं, इसमें स्ट्रिप्ड बार्ब और एंगल फिश को रखा जाता है, ठीक है। ऑर्नामेंटल फिश कल्चर मतलब जैसे कोई बड़े बड़े गार्डन है, लैंडस्केपिंग है, वहाँ पर एक छोटा सा तालाब में मछलियाँ रखी जाती है, जैसे आप घर में भी क्या रखते हो, एक कांच का जो बॉक्स होता है उसके अंदर मछली रखते हो, वो क्या होते हैं, ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए रखते हो अपने शौकिया तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इक्वा कल्चर। मैंने बोला इक्वा कल्चर स्टार्टिंग में क्या होता है, इक्वा कल्चर के अंदर हम फार्मिंग करते हैं किसकी, इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की, समुद्री मतलब जो जलीय जीव होते हैं उनकी फार्मिंग करते हैं। जलीय जीव में आपकी फिश भी आ जाती है, सेल फिश भी आ जाती है, इवेंट प्लांट भी आ जाते हैं। वेरियस सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम है इक्वा कल्चर में फार्मिंग करने के, तो अलग अलग जो है बेसिस पर यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन इंटेंसिटी पर, इंटेंसिटी के बेसिस पर यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया है इक्वा कल्चर का। इंटेंसिटी में तीन क्लासिफिकेशन, एक होता है इंटेंसिव फिश फार्मिंग, सेकेंड सेमी इंटेंसिव फिश फार्मिंग और तीसरा होता है एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग। इंटेंसिव फिश फार्मिंग का मतलब क्या हो गया, इंटेंसिव फिश फार्मिंग का मतलब हो गया बिल्कुल कन्फाइंड एरिया में रेगुलरली वाटर का सप्लाई होना चाहिए, फीड का सप्लाई होना चाहिए, वहाँ पे न्यूट्रिएंट आपको टाइमली बिल्कुल देना है कन्फाइंड एरिया में, मतलब कि बहुत कम एरिया में ज़्यादा फिशरी आप ले रहे हो, ठीक है, कम एरिया में ज़्यादा फिश रेयरिंग कर रहे हो, वो हो गया इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव।
देखो वेरी हाई, लगभग 10 से 50 पीस एक मीटर क्यूब वाटर में आप ले रहे हो, एक मीटर क्यूब में आप 10 से 50 पीस ले रहे हो, मतलब कि बहुत ज्यादा कन्फाइंड एरिया आप ले रहे हो, ठीक है। वहां पे आप बिल्कुल कंट्रोल इन्वायरमेंट रखोगे, मतलब कि आप वहां पे उसकी फीडिंग, वाटर का सप्लाई सब कुछ क्या करोगे, कंटिन्यूअसली दोगे। अब यहाँ पे जो है देखो इन्वॉल्व स्मॉल पॉन्ड, ठीक है, क्योंकि पॉन्ड छोटा होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिव कर रहे हैं, टैंक होगा, रेसवे होगा, ठीक है। रेसवे बताता हूँ क्या होता है और इल्ड कितनी मिलेगी, लगभग 15 से लेके 100 टन पर हेक्टेयर। अब बात रेसवे की आई है तो इसको रेसवे कहा जाता है। देखो यहाँ पर यह है रेसवे, मतलब बहते हुए पानी में जब हम क्या करते हैं, फिशरिंग करते हैं, मछली पालन करते हैं बहते हुए पानी में, तो उसको रेसवे कहा जाता है। क्लियर है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इंटेंसिव फिश फार्मिंग, हमने समझा, आप देखते हैं सेमी इंटेंसिव फिश फार्मिंग मतलब क्या होता है। सेमी इंटेंसिव मतलब यहाँ पर जो है थोड़ा सा एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कम फिश यहाँ पे रखी जाएगी, मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इस एरिया में या सेमी इंटेंसिव वाले कंडीशंस में आप जो है एक सप्ताह में एक बार फर्टिलाइजर दे सकते हैं, दो बार फीडिंग दे सकते हैं, इस तरीके की कंडीशंस यहाँ रहेगी सेमी इंटेंसिव के अंदर। यहाँ पर जो एरिया रखा जाता है सेमी इंटेंसिव के अंदर, सेमी इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर जो आप स्टॉकिंग रखोगे, स्टॉकिंग डेंसिटी ये हाई होती है, हाई मतलब कि 10,000 से लेकर 15,000 फीस पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 10,000 से 15,000। देखो यहाँ पे एक मीटर क्यूब में 10 से 50 फीस रखी जाती थी, यहाँ एक हेक्टेयर में 10,000 से 50,000, अंतर समझना। अगर इसको स्क्योर एक हेक्टेयर में ले जाओगे ना तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल पॉन्ड, पॉन्ड की साइज देखो, यहाँ पे बहुत छोटा पॉन्ड रख रहे थे, यहाँ पे 0.5 से एक हेक्टेयर का रखा जाएगा। पॉइंट की साइज कितनी रहेगी, 0.5 से 1 हेक्टेयर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पे प्रोडक्शन 3 से 10 टन फीस पर हेक्टेयर मिलेगा, और यहाँ पे देखो 15 से 100 टन पर हेक्टेयर मिल रहा था, तो वो इंटेंसिव था, सेमी इंटेंसिव था। एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग, एक्सटेंसिव का मतलब है यहाँ पे कोई कन्फाइंड एरिया नहीं है, मतलब कि ओपन एरिया है, ठीक है। आप यहाँ पे एक हेक्टेयर में 5,000 से कम मछली रख सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लार्जर आपका पॉन्ड रहेगा, 1 से 5 हेक्टेयर पुअर मैनेजमेंट रहेगा, 500 से 2 टन फीस आप पर हेक्टेयर ले सकते हो, लो सर्वाइवल रेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से केयर नहीं कर पाओगे। एक्सटेंसिव है मतलब कि एरिया आपका बहुत ज़्यादा है, 1 से लेके 5 हेक्टेयर है, तो मैनेजमेंट आपका पुअर रहेगा, इसलिए आपको प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा इतना अच्छा। सेकेंड जो है वो बेस्ड ऑन इनक्लोजर, इनक्लोजर का मतलब है कि यहाँ पे अब एरिया जो है आपका क्लोज रहेगा। जैसे कि बात करें पॉन्ड कल्चर, पॉन्ड कल्चर जो है मोस्ट कॉमन मेथड है, मोस्ट कॉमन मेथड है पॉन्ड कल्चर का, मतलब कि आपने क्या बना दिया, पॉन्ड बना दिया, इसके अंदर आपने क्या दे दी, फिंगरलिस्ट डाल दी और यहाँ पे आप कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। इनक्लोज्ड एरिया रहेगा, क्या रहेगा, इनक्लोज्ड एरिया रहेगा, आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन रहेगा, यहाँ पे बंड्स बने रहेंगे, आर्टिफिशियल तरीके से आप बंड बना दो या वही पॉन्ड बना दो, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल की स्टॉकिंग के लिए। कैच कल्चर का मतलब क्या होता है, मैंने बोला कि ये आपका समुद्र है, ठीक है, ये आपका समुद्र है, यहाँ पे आप क्या करोगे, एक डोम टाइप का ये, ठीक है, ये आपने एक जालीनुमा क्या बनाया, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, नीचे से भी वो क्या है, एक ड्रम से, बॉटम से भी वो क्या है, कवर्ड है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे मछलियाँ हैं और ये पानी के अंदर तैर रहा है, यहाँ ओपन सर्कुलेटर सिस्टम है, पानी जो है इसके अंदर आभार अंदर बाहर आ जा सकता है, तो यहाँ पे इस तरीके की रेयरिंग की जाती है, इसको बोलते हैं कैच कल्चर। देखो रेयरिंग फिश फार्म जुवेनाइल स्टेज, जुवेनाइल स्टेज में टू कमर्शियल साइज इन ए वॉल्यूम ऑफ वाटर इनक्लोज्ड, वाटर इनक्लोज्ड ऑल ऑन ऑल साइड इंक्लूडिंग बॉटम, ठीक है, वाटर इनक्लोज्ड रहेगा ऑल साइड, मैंने बोला ना चारों साइड तो रहेगी, साथ में बॉटम से भी इनक्लोज्ड रहेगा, ठीक है, वाइल द परमिटिंग द फ्री सर्कुलेटिंग ऑफ वाटर, अब पूरा सर्कुलेटिंग वाटर जो है वो अंदर रहेगा। फिर रहेगा पेन कल्चर, पेन कल्चर का मतलब है थोड़ा सा अंतर है केज में, यहाँ पे क्या था, ये चारों तरफ से तो कवर था सही और बॉटम से भी कवर था, पेन में क्या रहेगा, सिर्फ चारों तरफ से कवर रहेगा, बॉटम से ये ओपन रहेगा, बॉटम से ये ओपन रहेगा, इसको पेन बोल दिया गया है। रेजिंग ऑफ फिश इन वॉल्यूम ऑफ वाटर इनक्लोज ऑफ ऑल साइड एक्सेप्ट द बॉटम, बॉटम से ओपन रहेगा और जो है सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ओपन वाटर जो है सर्कुलेट होता रहेगा, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन इनक्लोजर के बेसिस पे था, तीन है इसमें, पॉड कल्चर, केज कल्चर और पेन कल्चर। फिर बेस्ड ऑन फिश स्पीसीज, फिश स्पीसीज के बेसिस पे अगर सिंगल स्पीसीज रेयर करना है तो मोनोकल्चर, और एक से ज्यादा स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिनको अकेले ही रेयर किया जाता है, जैसे कैटफिश हो गया, कार्स हो गया, श्रिम्प हो गया, ट्रोट हो गया, ये मोनोकल्चर के अंदर आएगी। पॉलीकल्चर के अंदर देखो अपना केटला, रोहू, मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, ये आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। बेस्ड ऑन सेलिनिटी, फ्रेश वाटर, अब क्या बोल रहा है, फ्रेश वाटर ताजा पानी तो सेलिनिटी होगी नहीं, जीरो सेलिनिटी, तो जीरो सेलिनिटी में कौन कौन सी स्पीसीज जो है रेयर की जाती है, कटला, रेहू, मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और फ्रेश वाटर प्रॉन।
ब्रेक किस वाटर है, सीधी सी बात है यहाँ पे मिक्सचर है किसका, फ्रेश वाटर और सी वाटर का मिक्सचर है, और सी वाटर आपको पता है खारा होता है, सेलिनिटी होगी कितनी, सेलिनिटी लेस देन 3 PPT। अब यहाँ पे पीपीटी का मतलब, एक बच्चे ने मेरे को अभी है ना यूट्यूब पे मैसेज किया था, सर पीपीटी का मतलब पार्ट्स पर ट्रिलियन होता है, पार्ट्स पर ट्रिलियन होता है, लेकिन सेलिनिटी पीपीटी का जो मतलब होता है पार्ट्स पर थाउजेंड, क्या होता है पार्ट्स पर थाउजेंड होता है सेलिनिटी के केस में, पार्ट्स पर थाउजेंड होता है, ठीक है। चेक कर लेना यूट्यूब गूगल पे जाके लिख लेना कि पीपीटी फुल फॉर्म इन सेलिनिटी, तो पार्ट्स पर थाउजेंड आएगा। ब्रेकिस वाटर में श्रिम हमरा क्रेप्स हो गया मोलस्क हो गया 25 स्पीसीज और है कॉमर्शियल जो इंपॉर्टेंट है, सेलिनिटी लेस देन 30 PPM। मेरिन वाटर, अब यहाँ पे मेरिन वाटर मतलब सी वाटर हो गया, सी वाटर मतलब यहाँ पे जो सेलिनिटी होगी लेस देन 30 PPT होगी, ठीक है। इसमें भी जो है कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज है उनको यहाँ पे रेयर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्प कल्चर। कार्प कल्चर में देखो, और देखो इंडियन कार्प कौन कौन सी है, रोहू कटला याद रखना, एक्जोटिक में कॉमन कार्प हो गया, माइनर में बेटा हो गया, कैटफिश में फ्रेश वाटर या कैटफिश हो गए, स्पॉट्स में तिलापिया हो गया, स्ट्रिप्ड स्नेक हो गया, और मुरल में आ जाएगा रेनबो ट्रॉट। तो ये याद रखना है, मुरल में रेनबो ट्रॉट है, स्पॉट्स के अंदर कौन सी है, कैटफिश में कौन सी, माइनर कार्प में, एक्जोटिक में कौन सी, इंडियन कार्प कौन सी है, तो ये सीधे ऑप्शन से आपको पकड़ में आ जाएगा। अब कुछ डिजायर स्पीसीज है ना, उनको देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंडियन मेजर कार्प की बात करते हैं, इंडियन मेजर कार्प कौन सी है, कटला रोहू मृगल, तीन मेजर कार्प है, और ये वाला जो पोर्शन है मैंने नाबार्ड नाम के अंदर भी पढ़ाया है, नाबार्ड नाम्स के अंदर हमने पढ़ाया ये, ठीक है। तो यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, मैंने बताया था कि जो कटला है वो जू प्लैंकेटन फीडर है, सरफेस फीडर है, सरफेस पर फीडिंग करती है, ठीक है। रोहू जो है ओमनिवार्स है, ये कॉलम में फीडर करती है, मतलब कि या ना ऊपर ना नीचे, बीच में मिडिल में क्या करेगी, फीडिंग करेगी। मृगल जो है डेट्रीवोरियस होती है, बॉटम में फिट करती है, मतलब यहाँ बॉटम में फिट करती है, बॉटम में फिट करनी, डेट्रीवोरियस क्यों बोला गया, डेट्रीवोरियस का मतलब होता है कि जो प्लांट और एनिमल के जो डिकम्पोज मटेरियल होते हैं, जैसे मान लो कोई डेट ऑर्गन होता है ना, या प्लांट का भी क्या होता है सड़ा गला जो पार्ट होता है उसको खाने का काम करती है, इसलिए इसको डेट्रीवोरियस बोला जाता है। ये मैंने मनावट नाम में अच्छे से बताया जू प्लांट केटन क्यों बोला जाता है और निवास क्यों बोला जाता है सारी चीज़ें, ठीक है। फाइटोट्रोपिक होता है, ऑटोट्रोपिक होता है, सेम एक्जोटिक भी है, सिल्वर का ग्रास कवर कॉमन कार्प, सिल्वर का फाइटोफाल्केटन होती है, मतलब क्या है प्लांट ऑर्गन्स को खाने का, प्लांट पार्ट्स खाने काम करती है, सरफेस फीडर होती है, ठीक है। ग्रास कार्प जो है हर्बीवोरस होती है, ऑटोट्रोफिस होती है, सरफेस कॉलम और मार्जिनल एरिया में फीडिंग करती है। कॉमन कार्प जो है डेट्रीवोरस ओमनिवोरस दोनों होती है और बॉटम फीडर का काम करती है, ठीक है। ये हमने नाबार्ड में अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल नहीं करूँगा। अब यहाँ पे देखो, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन मतलब कि फीस के साथ साथ आप कुछ भी ले लो, चाहे पोल्ट्री ले लो, ठीक है, या एनिमल हस्बेंड्री ले लो, या पिगरी ले लो, ठीक है। आप इनके साथ ये चीज़ें लेते हो तो आपका प्रोडक्शन कितना आता है फीस का, और उस इंटीग्रेशन का इंटरप्राइजेस का कितना आता है। देखो फीस पर पिग लेवल, फीस के साथ अगर आप पिगरी फार्मिंग कर रहे हो तो 6 से 7 टन पर हेक्टेयर आपको फीस प्रोडक्शन मिलेगा, और पिग का प्रोडक्शन देखो कितना मिलेगा, 4,000 से 5,000 kg पर मिग, पर पिग केजी पिग मीट मिलेगा आपको। फीस के साथ अगर डक कर रहे हो तो 3 से 4 टन पर हेक्टेयर फीस मिलेगा, और 500 kg टक मीट मिलेगा, और 17,000 से 20,000 अंडे मिल जाएंगे उसके। फीस के साथ पोल्ट्री तो 4 से 5 टन पर हेक्टेयर आपको फीस प्रोडक्शन, 60,000 से 70,000 अंडे, और 1,500 से 2,000 kg मीट आपको मिल जाएगा। ये इंटीग्रेशन है, जब हम क्या करते हैं फीस के साथ कोई और इंटरप्राइज जैसे लेते हैं तो, ठीक है। इसको भी मैंने नाबार्ड नाम्स के अंदर इसको फीस की जो स्टॉकिंग वगैरह है सारी चीज़ वहाँ पे डिस्कस की थी, तो यहाँ पे हमने डिटेल नहीं लिया है। फिर स्टेट फिश ऑफ इंडिया मतलब किसको राज मछली फिश कहा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश देखो गोल्डन महासीर है, गोल्डन महासीर जिसका नाम टोर प्यूटिटोर है, टोर प्यूटिटोर है, ये किस राज्य की मछली है, तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ की ये मछली है। फिर मगुर की बात करें, मेगुर की, मेगुर जो है बिहार की है, इसका साइंटिफिक नेम चन्ना इंस्ट्रेटियस है, ठीक है। साइंटिफिक नेम आप नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, बस यहाँ पे पूछा जाएगा मगुर किस राज्य से, किस राज्य की, बिहार की। कालाबासु जो है ये हरियाणा की है। हिल्सा का पूछा जाता है, हिल्सा जो है मेजर कहाँ पर है, हिल्सा का कहाँ की है, तो वेस्ट बंगाल की है। चीतल आप देखो, चीतल जो है यूपी की है, ठीक है। केरीमिन जो है ये केरला की है। पेंगबा जो है मणिपुर की है, और स्ट्रिप मुरल जो है वो आंध्र प्रदेश की है। तो ये आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मेगुर बिहार की, कालीबासु जो है हरियाणा की है, गोल्डन महासीर इन राज्य की है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको जरूर याद कर लेना, ठीक है। बैन पीरियड की बात करते हैं, देखो बैन पीरियड इन इंडिया, तो बैन पीरियड होता क्या है, पहले बैन पीरियड होता क्या है ये देखो, बैन पीरियड होता क्या है,
बेन पीरियड या बोलूं मैं ब्रीडिंग पीरियड, ठीक है, बेन पीरियड बोल दूं या इसको मैं ब्रीडिंग पीरियड बोल दूं। बेन पीरियड का मतलब है कि बेन पीरियड जो है, एवरेज बेन पीरियड की बात करूं तो होता है 60 डेज का। कितना? 60 डेज का बेन पीरियड होता है, ब्रीडिंग पीरियड होता है मछलियों का। देखो आप अगर क्या कर, होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, फिश रेयरिंग करते हैं तो पूरे साल मछली निकालने का काम करते हैं। तो बेन पीरियड का मतलब है कि इन 60 दिनों तक आप कोई भी जो है तालाब में से फिश नहीं निकालेगा, 60 दिन तक कोई भी प्रोडक्शन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि बेन पीरियड का मतलब, या ब्रीडिंग, इसी को मैंने ब्रीडिंग पीरियड बोला है, ब्रीडिंग पीरियड मतलब इन 7 दिनों में क्या होता है, मछलियां जो है आपस में ब्रीडिंग करती है, ब्रीडिंग करके क्या करती है, अपना पॉपुलेशन को बढ़ाती है। तभी तो हमें को क्या मिले, तभी तो हम क्या करेंगे, वहां से प्रोडक्शन ले पाएंगे। अदरवाइज आप पूरे साल मछलियां निकालते रहोगे तो मछलियों की कमी हो जाएगी तालाबों के अंदर, या जो आपका हैचरी है, या जो आपका जो तालाब है वहां पे पॉन्ड वहां पर, तो 60 दिन तक बिल्कुल नहीं निकाली जाता है, बैन किया जाता है कि कोई फिश नहीं निकालेगा, ताकि क्या होगा उसमें फिश की पॉपुलेशन मेंटेन रहे, इसकी वजह से बैन पीरियड। अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, एवरेज 60 डेज का रहता है, ठीक है, एवरेज बैन पीरियड 60 डेज का है, याद रखना। वेस्ट बंगाल में 61 डेज का कब से कब तक रखा जाता है ये दिया हुआ है यहाँ पे, उड़ीसा में भी 61 डेज, आंध्र प्रदेश में भी 61 डेज, 15 अप्रैल से लेकर 14 जून तक। तमिलनाडु ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों है, दोनों में 45 दिन का रखते हैं। ईस्ट कोस्ट में 15 अप्रैल से 29 मई और वेस्ट कोस्ट में 15 जून से 29 जुलाई तक रखा जाता है। केरला में 47 डेज का होता है, 14 जून से लेके रखा जाता है 31 जुलाई तक। कर्नाटक में 61 डेज का हो गया, गोवा में 61 डेज का हो गया, महाराष्ट्र में 61 डेज का। सबसे ज़्यादा बैन पीरियड रखा जाता है गुजरात के अंदर, याद रखना, सबसे ज़्यादा बैन पीरियड गुजरात के अंदर 10 जून से 15 अगस्त तक रखा जाता है, एवरेज है 60 डेज का। याद रखना बैन पीरियड क्या होता है, ब्रीडिंग के लिए मछलियों को तालाब से निकालना बंद कर देते हैं, ठीक है। कुछ फैक्ट दिए हैं यहाँ पे कि कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, 17% तक ग्लोबल पॉपुलेशन एनिमल प्रोटीन इंटेक कहाँ से मिलता है, फिशरी से मिलता है, और इसको बढ़ाकर, ठीक है, पर कैपिटा हमने अवेलेबिलिटी पढ़ी है कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, 29 केजी पर कैपिटा कहाँ पे, त्रिपुरा में है। तो एवरेज की बात करें तो एवरेज बहुत कम है, तो 2050 तक इसको बढ़ाकर 15 से 20 केजी करने का चल रहा है। फीस को क्या बोला गया है, गरीब आदमी का अमीर फूड बोला गया है, रिच फूड फॉर पुअर पीपल, इसको ब्रेन फूड या हार्ड फूड भी कहा जाता है, ये याद रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिशरीज की स्पीसीज दी है, जैसे फ्रेश वाटर फिशरीज और ब्रैकिस वाटर फिशरीज। तो फ्रेश वाटर फिशरीज में यह देखो, सबसे पहले दी है कटला। कटला का साइंटिफिक नेम क्या होता है, कटला जो है इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन मेजर कार्प है, याद रखना, ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग, बहुत जल्दी ग्रो करने वाली मेजर कार्प है। इसका जो हैबिटेशन क्या होता है, पॉन्ड के अंदर इसका हैबिटेशन कैसा है, किस तरीके से रहती है, तो पेलेजिक हैबिटेट होती है। पेलेजिक का मतलब क्या होता है, ना तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर रहेगी, ना ही बॉटम में रहेगी, बीच में ये रहती है, इसको पेलेजिक हैबिट बोलते हैं। फीडिंग हैबिट क्या होती है, सरफेस फीडर, सरफेस पे ये क्या करेगी, सरफेस पर फीडिंग करने का काम करेगी, सरफेस पे फीडिंग करेगी। जू प्लांकटन होती है, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाने का काम करती है। मैच्योरिटी जो है सेकेंड ईयर के आती है, मैच्योरिटी चाहे किसी की भी पूछे, सेकेंड ईयर ही लगाना, मैच्योरिटी चाहे किसी भी ईयर, मैच्योरिटी का मतलब है कि सेकेंड ईयर में जाके इनका वेट जो है लगभग 2 केजी से 4 केजी के आसपास हो जाता है, उसी को मैच्योरिटी कहते हैं, ठीक है। फिर फुसनडिटी की बात करें तो वेरी हाई होती है, लगभग 2 लाख से लेके 4 लाख तक इनकी फुसनडिटी होती है, और ये लगभग इनकी लेंथ जो होती है 45 सेंटीमीटर की होती है। ब्रीडिंग की बात करते हैं, इसमें इंड्यूसिंग ब्रीडिंग होती है, याद रखना कौन सी ब्रीडिंग होती है, कटला के अंदर लगभग सब में ही इंड्यूसिंग ब्रीडिंग ही होती है, याद रखिए, जो पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको इंड्यूसिंग ब्रीडिंग ही होती है सब में। सबकी साइज लगभग 40 से 45 के आसपास होती है, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैच्योरिटी लगभग सबकी सेकेंड ईयर में आती है, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करो, कटला के अंदर टोटल फैट जो है 2.80 ग्राम होता है। प्रोटीन की बात करो, 16.18 ग्राम होता है। आयरन 2.29 से 2.45 ग्राम। कैलोरी 115.0 किलो कैलोरी होती है। ये न्यूट्रिटिव वैल्यूज भी है इसकी, ठीक है। फिर बात करते हैं रोहू की, रबिया रोहिता। अब ये देखो कहाँ रहती है, इनहैबिटेट इन रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश का यहाँ पे इनका नेटिव दिया हुआ है। राहु जो है ये किस मानसून सीजन में, अप्रैल और सितंबर में इसका जो है स्पॉन, राहु का जो स्पॉन्स है का ड्यूरेशन कितना है, अप्रैल और सितंबर में इसका स्पॉन लिया जा सकता है। इसका हैबिटेशन देखो पॉन्ड के अंदर, ये मिडिल में कॉलम लेयर में रहती है, मिडिल कॉलम लेयर में रहती है, ठीक है, मिडिल कॉलम लेयर के अंदर रहती है। तो सीधी सी बात, मिडिल कॉलम में रहती है तो कॉलम फीडर करेगी, फीडिंग कैसी होगी, कॉलम फीडिंग होगी। देखो मैच्योरिटी सेकेंड है, लेंथ वही लगभग 45 के आसपास, ब्रीडिंग सिस्टम इसमें भी इंड्यूसिंग रहेगा कटला की तरह,
बस न्यूट्रिटी वैल्यू देख लो, टोटल फैट 2.73 ग्राम हो गया, प्रोटीन 1598 ग्राम हो गया, कैलोरी 88 किलो कैलोरी हो गया। तो न्यूट्रिटी वैल्यूज भी देख लेना इसकी, ठीक है। कुछ स्पीसीज यहाँ पे हमने रखी थी ताकि अगर इनसे क्वेश्चन बने तो आ जाए। मृगल का देखो, मृगल का साइंटिनेक, ठीक है, सिरहीनस मृगलस फ्रेश वाटर है। ये भी कहाँ गए, इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, जापान में पाई जाती है। इसमें देखो ये बॉटम जोन में रहती है, तो वह सी बात है क्या होगा, फीडिंग भी क्या रहेगी, बॉटम फीडर रहेगी। सेकेंड ईयर में मेच्योरिटी होगी, 4 से 5 लाख इस फर्सिनिटी छोड़ दो। लेंथ वही देखो 40 के आसपास होती है। ब्रीडिंग यहाँ पे इंड्यूस ब्रीडिंग रहेगी। तो कुछ पॉइंट तो कॉमन है, आपको जो अलग पॉइंट है वही याद करना, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं जो बिल्कुल अलग जाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिटी वैल्यू ये लगभग सेम है, किसकी तरह, रोहू की तरह बिल्कुल सेम है इसमें न्यूट्रिटी वैल्यू। नेक्स्ट इसके अलावा आप देख लीजिए, नेक्स्ट जो दिया है वो है सिल्वर कार्प, हाइपोप्थेले मिंगथिस जो है मोलिक्सिस, मोलिक्सिस इसका साइंटिफिक नेम है। ये भी है जो कल्चरल फिश फ्रेश वाटर के अंदर इसको कल्चर किया जाता है। इसका जो है यहाँ पे ये इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, इजिप्ट वगैरह सब में ये पाई जाती है, ठीक है। इसमें देखो ये टॉलरेंट लोअर सेलिनिटी ऑफ ब्रेकिस वाटर, ब्रेकिस वाटर की जो लोअर सेलिनिटी को भी ये टॉलरेंट कर लेती है। ये पॉइंट ध्यान में रखना, ये पॉइंट अलग है इसके अंदर। ये सरफेस लेयर पर रहती है, तो फीडिंग क्या होगी, सरफेस फीडिंग करेगी। ये सरफेस लेयर पे है तो सरफेस फीडिंग करेगी। मैच्योरिटी सेम है, ठीक है, लेंथ 40 के आसपास है और इंड्यूस ब्रीडिंग इसके अंदर भी होती है। सब चीज़ सेम है, जो कॉमन पॉइंट है वो याद करने की जरूरत नहीं है, जो अलग चीज़ें आपको दिख रही है उसको ही पढ़ना जरूरी है। ग्रास कार्प की बात करें तो वही जापान वगैरह, इंडिया, पाकिस्तान सब जगह ये पाई जाती है। बॉटम में, बॉटम सरफेस पर रहती है, लिविंग कार रहती है बॉटम सरफेस पर, तो बॉटम में फीडिंग करेगी। इसकी फीडिंग में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये लिविंग बेनिफिश, लिविंग ग्रीन मैन्यूअर मशीन, इसको लिविंग ग्रीन मैन्यूअर मशीन बोलते हैं, मतलब जिंदा हरी खाद बनाने वाली मशीन इसको कहा जाता है। याद रखना किसको, ग्रास कार्पो को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ग्रास कार्पो को कहा क्या जाता है, लिविंग ग्रीन मैन्यूअर मशीन कहा जाता है। मैच्योरिटी सेकेंड वही है, ठीक है, इंड्यूस ब्रीडिंग होती है सेम वही है। फिर बात करते हैं कॉमन कार्प की, कॉमन कार्प में आ जाओ, यही नेटिव वगैरह, चाइना वगैरह सब जगह इसका नेटिव है। हैबिटेशन ये बेंथिक रीजन ऑफ पॉन्ड, बेंथिक रीजन मतलब कि नीचे रहेगी, फ्लोर पर रहेगी, ठीक है। फीडिंग हैबिट की बात करो तो ओमनीवार्स फीडिंग हैबिट है, जो प्लैंकेटन को खाती है। मैच्योरिटी इसकी 6 मंथ ऑफ वॉट, मतलब वही सेकेंड ईयर में, याद रखना इसको। रिप्रोडक्टिव इसके अंदर भी क्या होती है, इंड्यूस ब्रीडिंग ही होती है इसके अंदर भी, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारा ब्रेकिस वाटर के अंदर, ब्रेकिस वाटर स्पीसीज में सबसे एक ही हम पढ़ेंगे, सीबास, जिसको लेटस कैल्केरीफेरस कहा जाता है। एशियन सीबास को कालंगी भी कहा जाता है, नरीमन भी कहा जाता है केरला के अंदर, ठीक है। ठीक है, ये क्या होती है, एरीहेलाइन फिश है, ग्रोइंग रैपिडली, लगभग 3 से 5 केजी वेट हो जाता है इसका, कितने साल में, लगभग 2 से 3 साल में, 2 से 3 साल के अंदर इसका 3 से 5 केजी वेट हो जाता है। याद रखना सीबास अटेन द मैच्योरिटी एट दी एज ऑफ, 3 से 4 साल में इसको मैच्योरिटी आती है, याद रखना 3 से 4 साल में मैच्योरिटी आती है। लेंथ लगभग देखो इसका, लेंथ 60 to 70 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और वेट करीबन 2.5 से 4 केजी हो जाता है 3 से 4 साल में। यही चीज़ें यहाँ पे पढ़ने की, ठीक है, इतना इसके अंदर भी देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। स्टॉकिंग इसके अंदर देख लेना कैसे क्या करते हैं। वाटर क्वालिटी देख लीजिए, वाटर क्वालिटी में यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर, ये हमने कहाँ पढ़ा था, नाबटनाब के अंदर भी फिशरी में पढ़ा था, सेम वही के वही है यहाँ पे। अदर स्पीसीज भी यहाँ पे ये दी हुई है, ठीक है। और अगर हम बात करें इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट की, तो इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक गाइडलाइन, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने क्या है, गाइडलाइन बनाई थी कि जो ब्रेकिस वाटर हमारा जो इक्वा कल्चर है, हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड फॉर दी वेस्ट वाटर डिस्चार्ज श्रिम के लिए, श्रिम फार्म के लिए जो ब्रेकिस वाटर इक्वा कल्चर है उसमें कितना वेस्ट वाटर डिस्चार्ज होना चाहिए, ये पैरामीटर्स उन्होंने दिए हैं। तो यहाँ पे देखो कोस्टल के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे एस्टुरीज, एस्टुरी के लिए, व्हेन द सेम इनलैंड वाटर कोर्सेज यूज्ड फॉर वाटर रिसोर्स एंड डिस्पोजल पॉइंट, दोनों के लिए पीएच कितना होना चाहिए, 6 से 8.5 होना चाहिए दोनों में। सस्पेंडेड सॉलिड जो है मिलीग्राम पर लीटर 100 होना चाहिए। डिजोल्व ऑक्सीजन जो है नॉट लेस देन 3 से कम नहीं होनी चाहिए, इसमें भी नॉट लेस देन 3 से कम नहीं होनी चाहिए। फ्री अमोनिया जो है 50 mg/ml से कम नहीं होना चाहिए, इसमें 0.5 से कम ml नहीं होना चाहिए। ये कुछ क्राइटेरिया था जो 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ था। बायोकेमिकल देखो या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 50 और इसमें 20 होनी चाहिए, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड 100 इसमें 75 होनी चाहिए, डिजोल्व फास्फेट जो है इसमें 0.4 इसमें 0.2 होना चाहिए, और नाइट्रोजन, टोटल नाइट्रोजन इसमें भी 2 और इसमें भी 2 होनी चाहिए मिलीग्राम पर लीटर। ये लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ था। बायोफ्लॉक फिश भी ये लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ था। बायोफ्लॉक फिश कल्चर, बायोफ्लॉक फिश कल्चर अपने आप में एक क्या है, एक ब्लू रिवोल्यूशन है,
नया रिवोल्यूशन है। इसमें होता क्या है, इसके अंदर जो कल्चर मीडियम होता है उसमें न्यूट्रिएंट जो है रिसाइकिल या रीयूज किया जा सकता है बिना वाटर डिस्चार्ज किए, ठीक है, जीरो वाटर डिस्चार्ज किए या मिनिमम वाटर डिस्चार्ज किए यहां पर जो न्यूट्रिएंट है कल्चर मीडियम के अंदर वो रीयूज या रिसाइकिल किया जा सकता है। इसलिए सिस्टम को एक्टिव सस्पेंशन पॉन्ड या फिर हेटरोट्रॉफिक पॉन्ड या इवन ग्रीन सॉप पॉन्ड भी कहा जाता है। ये याद रखना, एक्टिव सस्पेंशन पॉन्ड, हेटरोट्रॉफिक पॉन्ड या इवन ग्रीन सॉप पॉन्ड भी कहा जाता है। क्लियर है, एडवांटेज क्या है? अब सीधी सी बात है, इको फ्रेंडली कल्चर सिस्टम है ये, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता है, इन्वायरमेंट इंपैक्ट को कम करने का काम करता है, लैंड और वाटर के लिए जुजिशियस यूज करता है, जीरो वाटर एक्सचेंज इसके अंदर होता है, हाई प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगी, हाई बायोसिक्योरिटी इसके अंदर मिलेगी, वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा, ठीक है, प्रेशर कैप्चर फिश, यूज ऑफ चीपेस्ट फूड फिश फूड एंड ट्रेस फिश फॉर द फीस फीड फॉर्मुलेशन के लिए। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है इसके अंदर। सुटेबल फीस क्या, सुटेबल स्पीसीज की बात करें तो देखो एयर ब्रीदिंग फीस कौन कौन सी है, एयर ब्रीदिंग फीस की बात करें यहाँ पे तो एयर ब्रीदिंग फीस में सिंगी है, ठीक है, मेगुर है, ठीक है, एनाबास है जिसको कोई कहा जाता है, ठीक है, पेंगासियस है, पेंगासियस एयर ब्रीदिंग वाली है, नॉर एयर ब्रीदिंग की बात करो तो कॉमन कार्प आ जाएगी, रोहू आ जाएगी आपकी, कटिके तिलापिया आ जाएगी, मिल्क फिश आ जाएगी, ये जो है नॉन एयर ब्रीदिंग वाली है। और सेल फिश की बात करें तो वेन्ना, वेन्नामाई सेल फिश, वेन्नामाई और टाइगर श्रिम्प ये जो आ जाती है इसके अंदर, ये जो है फिश की स्पीसीज है जो बायोफ्लोक के अंदर यूज की जाती है। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू की, तो काफी अच्छी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है बायोफ्लेक फिश की। तो यहाँ पे देखो ड्राई वेट प्रोटीन रेंज लगभग 25-50% होता है, फैट देखो आप इसमें 0.5-15% तक होता है, यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद रखना है बायोफ्लोक के अंदर। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात करें सबसे तो इथियोलॉजी क्या होता है, इथियोलॉजी मतलब कि होता है फिश की साइंटिफिक स्टडी करना, जिसके अंदर उसकी टैक्सोनॉमी क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, उसका बिहेवियर साइंस क्या है, इकोलॉजी क्या है, सबकी स्टडी करना इसको इथियोलॉजी कहलाता है। ऑर्नामेंटल फिश मैंने बोल दिया, बहुत ही छोटी मछली जो हमारा गार्डन है, गार्डन का छोटा तालाब है वहां पर अगर रखी जाती है, वहां पर पाली जाती है, रेयर की जाती है, उसको ऑर्नामेंटल फिश कहते हैं। जैसे आपके घर में भी आप कांच का बॉक्स लाते हो उसके अंदर मछलियां पालते हो, वो ऑर्नामेंटल फिश ही लेके आते हो। कल्चर टैंक क्या होता है, आर्टिफिशियल होल्डिंग एरिया यूज फॉर द रेयर ऑफ फिश फॉर्म स्टॉक, ठीक है, आर्टिफिशियल पॉन्ड हो गया, ठीक है, टैंक हो गया जिसमें आप रेयर करते हो फिश को, वो हो गया। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 2, 3, 4, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, कौन सी, 4 नंबर, एंड्रामोस, केटाड्रोमोस, एम्फीड्रोमोस, पेटामोड्रोमोस, ओसियोड्रोमोस और फिंगरलिंग्स। तो एनाड्रोमोस, एनाड्रोमोस मतलब क्या होता है, एनाड्रोमोस ये माइग्रेटरी फिश होती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, रहती कहाँ है, लिव इन साल्ट वाटर, ध्यान रखना ये साल्ट वाटर के अंदर रहती है, रहती कहाँ है, एंड्रोमोर, एंड्रोमोस फिश, एंड्रोमोस फिश जो होती है साल्ट वाटर के अंदर रहती है, लेकिन ब्रीडिंग मेटिंग कहाँ करती है, फ्रेश वाटर के अंदर ये मेटिंग करती है। केटाड्रोमोस फिश ये भी माइग्रेटरी फिश है, ये रहती कहाँ है, ये रहती है फ्रेश वाटर के अंदर, लेकिन ब्रीडिंग कहाँ करती है, साल्ट वाटर में, ये एंड्रोमोस फिश की उल्टी है केटामोस। एम्फीडोमोस, एम्फीडोमोस मतलब याद रखना ये दोनों जगह पर रहती है, और दोनों जगह पर कहीं पर भी क्या कर सकती है, मेटिंग कर सकती है, फ्रेश में भी रहती है, साल्ट वाटर में भी रहती है। पोटामोड्रोमोस, पोटाडोमोस की बात करें तो ये कहाँ मूव करती है, फ्रेश वाटर के अंदर ही रहती है, केवल केवल फ्रेश वाटर के अंदर ही मूव करती है, ठीक है। और ओशियनाड्रोमोस मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये केवल साल्ट वाटर के अंदर ही रहती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4 नंबर और 5 नंबर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिंगरलिंग क्या होती है, देखो एक होता है फ्राई स्टेज, फ्राई स्टेज मतलब क्या होता है, लगभग 1 या 2 वीक का जो फिश होता है उसको हम फ्राई कहते हैं, लेकिन फिंगरलिंग का मतलब हो गया फ्राई स्टेज से लेकर जो 3 से 4 महीने तक की, 3 से 4 महीने की जो लाइफ होती है उसको फिंगरलिंग कहते हैं, और 3 से 4 महीने से लेकर जो मैच्योर स्टेज 1 ईयर की जो एज होती है उसको ईयरलिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रूड स्ट्रोक, ब्रूड स्ट्रोक क्या हो जाता है, एक सेम स्पीसीज, क्या होता है, सेम स्पीसीज, एनी पर्टिकुलर स्पीसीज विच आर रेज फॉर द रिप्रोडक्शन पर्पज, किसी भी स्पीसीज को आप रिप्रोडक्टिव पर्पज के लिए रेज कर रहे हो, पाल रहे हो, उसकी खेती कर रहे हो, तो उसको ब्रूड स्ट्रोक कहते हैं। स्नेकिंग क्या होता है, स्नेकिंग का मतलब होता है हुक, स्नेकिंग का मतलब क्या होता है, इस तरीके का हुक आता है, हुक आता है, क्या आता है, हुक,
पकड़ने के लिए, मछली को पकड़ने के लिए आगे हुक लगा हुआ रहता ना ऐसे हुक, उस हुक को क्या कहते हैं, स्नेगिंग कहते हैं। मेथड ऑफ कैचिंग फिश बाय जर्किंग या अनबीटेड हुक थ्रो द वाटर, उसको हुक को कहते हैं। टैगिंग क्या होता है, टैगिंग मतलब जैसे हम एनिमल में टैगिंग करते हैं, फिशरी में भी टैगिंग कर देते हैं उस फिश को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। बाद में अगर उसका हमें क्या करना है, रिकैप्चर करना है, उसको रिकैप्चर करना है, ठीक है, उसकी बायोलॉजिकल स्टडी करना है, पॉपुलेशन साइज उसकी बढ़ाना है, माइग्रेशन करना है, तो उसकी टैगिंग की जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था फिशरीज का। ये लेक्चर हमारा खत्म होता है आज के लेक्चर में, इतना ही बच्चों। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा हूं, तो ऐसे ही आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।